बुंदेलखंड राज की मांग करने वाले राजा बुंदेला ने न्यूज स्टेट से खास बातचीत में कहा कि विकास के लिए बुंदेलखंड राज्य बनना बेहद जरूरी है, छोटे राज्य बनने से यूपी को फायदा होगा। बुंदेलखंड को लेकर हमेशा ये सवाल उठता रहा कि बुंदेलखंड को विकास की गति कैसी दी जाए, उसे मुख्य धारा में कैसे लाया जाए। हालांकि बीजेपी की सरकार ने वहां पर बुंदेलखंड एक्सप्रेस बना करके, डिफेंस कॉरिडोर, इन सब को लेकर के बुंदेलखंड में विकास की कोशिशें जारी हैं, लेकिन राजा बुंदेला हमारे साथ हैं। क्या इस पूरे डेवलपमेंट के मॉडल से आप प्रसन्न हैं? हमारी मांग पहले भी थी, आज भी है, और जब तक बुंदेलखंड राज्य नहीं बनेगा तब तक ये मांग रहेगी। और विकास की जहां तक आप बात कर रहे हैं, ये सच है कि बुंदेलखंड में एक बहुमुखी विकास हुआ है, लेकिन हमारा मानना है कि जब तक हमें स्वराज नहीं मिलेगा तब तक समूचा विकास नहीं होगा। और हम यही कहते आए हैं, छोटा परिवार सुखी परिवार, 100 बीमारियों का एक इलाज, वो है बुंदेलखंड राज्य। हम बार बार ये कहते रहे, ये दुर्गत जो हुई है अभी बुंदेलखंड में कि हम 4 सीट में से केवल एक ही सीट निकाल पाए, उसकी वजह यही है कि हमने लोगों को बांटा है। हमारा बुंदेलखंड जब एक होगा तो सिवाय भाजपा के इसके अलावा किसी का वहां पर कोई नामो निशान तक नहीं है। और अब ये सही समय है कि 26 करोड़ या 27 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश को उन 3 भागों में बांटा जाए। और हमारा बुंदेलखंड तो पहले से था, हमारा बुंदेलखंड मुगल काल में था, ब्रिटिश काल में था, और आजादी के बाद दुर्भाग्य हुआ कि हमें 2 भागों में बांट दिया गया। तो हम उसी राज्य की बात कर रहे हैं और पार्टी फोरम में कर रहे हैं, बीजेपी में रहते हुए, बीजेपी के में काम करते हुए हम ये बात कह रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ने 3 राज्य बनाए और वो राज्य जिनमें आज भाजपा सरकार है, झारखंड को छोड़कर। तो मेरी कोशिश यही है, सरकार को फिर से ये चेतावनी, सलाह और एक भाई के नाते एक मशवरा कि अभी सही मौका है। 2026 में आपका परिसीमन होने वाला है, 700 सीट हो जाएंगी लोकसभा की, तो तब तो मजबूरी में कहीं ना कहीं आपको कोई फैसला लेना पड़ेगा। 26 के परिसीमन के बाद 27 का चुनाव हमारा होगा, हम जीती बाजी हैं और जीते ही रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ आलोक पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, कांग्रेस पर तंज कसा। राजनाथ